हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं फ्रांस में, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 सालों में दूसरी बार किसी शासित, मतलब कि जो पहले से ही उस पर शासन कर रहा है राष्ट्रपति, दूसरी बार वो जीता है। तो इसमें एक बड़ा रोल इसमें इसलिए है क्योंकि यूरोप जो है, यूरोपियन एक जो आते हैं महाद्वीप, उसमें फ्रांस जो है वो एक यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और इसमें ये लोग के थॉट्स लगाए जा रहे थे अदर कंट्री द्वारा कि अगर मान लीजिए ये मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति थे, अगर वो अगर हार जाते तो जो इनकी कंपटीटर थी, तो अगर तो उनका क्या रवैया रहता, क्या वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाती? क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपियन में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश जो है वो फ्रांस है। तो वहाँ पे अभी कई सब तरह के अफवाह थे, कई तरह की प्रॉब्लम चल्स रहे थे। तो और उसके प्रति और हम ये देखेंगे कि अभी फ्रांस में एक मैसेज ये आया था कि वहाँ पे मुस्लिमों को नरसंहार किया जा रहा है और मुस्लिमों को काफ़ी लाइफ उनकी बदतर है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे और हम ये देखेंगे भारत से फ्रांस का क्या संबंध है। और भी हमको ये भी पता है कि भारत से फ्रांस का रिश्ता ऐसा है क्योंकि हमारे जितने भी रक्षा सौदे हैं, चाहे डिफेंस के सिस्टम हो, हमारा फ्रांस हमेशा रहा है। क्योंकि फ्रांस हमेशा क्या करता है, पाकिस्तान जो हमारा देश है, चाइना है, उनका हमेशा क्या करता है, भारत के सहमत में हमेशा रहता है। और अभी राफेल का ही काफ़ी अच्छा डील हुआ है हमारा फ्रांस से, और उसके बाद और भारत के आगे क्या उनसे संबंध है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की जीत हुई है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी से जीते हैं ये। और ये पहली बार जब सत्ता में बैठे फ्रांस का कोई राष्ट्रपति दोबारा चुना गया है। देखते हैं, अपनी प्रतिनिधि मरीन ली पेन को चुनाव में हराकर इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं। ये इनकी कंपटीटर थी, ये मरीन ली पेन और ये इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन के बारे में आप जानते हैं, अभी दो या तीन साल पहले हाल ही में इन्होंने भारत का दौरा किया था और इनसे काफ़ी अच्छी हमारे सरकार से और हमारे देश से इनकी काफ़ी अच्छी मित्रता है। उसके बाद देखते हैं, मैक्रोन ने 58.55% वोट हासिल किए जबकि ली पेन को 41.45% वोट मिले। यानी कह सकते हैं कि लगभग एवरेज जो हमारा था वो 60 के एबव था एवरेज, जहां पे उन्होंने मैक्रोन ने ली पेन को हराया। इस जीत के साथ मैक्रोन पिछले 20 साल में दोबारा चुने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ये फ्रांस की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट जरिए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। अपने संदेश में देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने बधाई देता हूँ। मैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने की आशा करता हूँ। ये उन्होंने क्या किया, अपना एक कॉन्ग्रेचुलेशन दिया मैक्रोन को। तो देखते हैं आगे। देखिए, यूरोपियन संघ ईयू, जैसे हमारा कहते हैं एशियन संघ होता है, एक एशिया जैसे होते हैं अलग अलग चीज़ों, जैसे यूनियन नेशन कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं, जैसे हमारा एशिया का है एक, उसी तरह जैसे कि सार्क होते हैं, उसी तरह यूरोपियन संघ एक है। में काफ़ी समय से चिंता जताई जा रही थी कि ले पेन के जीत से फ्रांसिक यानी फ्रांस के ईयू से बाहर निकल जाने का रास्ता खुल सकता है। यानी जो यूरोपियन नेशन यूनियन है, इससे अगर ली पेन जीत जाती तो वो शायद यूरोपियन यूनियन से वो बाहर हो सकती थी। इसी वजह से, क्योंकि अभी आपको पता है कि रसिया और जो यूक्रेन में अभी लड़ाई चल रही है, उसका मेन मोटर यही है कि नाटो से अलग होने का, यही एक प्रॉब्लम, इसी वजह से वहाँ पे रण छिड़ा हुआ है। तो हालांकि मरीन ली पेन ने जोर देकर कहा था कि उनका कोई गुप्त फ्रैक्टिक्स एजेंडा नहीं है, यानी उन्होंने ये अपने कमिटमेंट में कहा था इलेक्शन से पहले कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन उनके विरोधियों का दावा था कि उनकी नीतियां यूरोपियन संघ में फ्रांस की जगह को खतरे में डाल सकती हैं। ली पेन की हार से ईयू ने एक बड़ी राहत की सांस ली है, जिससे क्योंकि मैक्रोन जो थे वो एक तरह से कह सकते थे, वो एक सबके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति थे और उनको एक अच्छा अनुभव था और वो एक काफ़ी युवा नेता थे, युवा एक प्रेसिडेंट थे, और जिन्होंने काफ़ी अच्छा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और कई
कंट्री से भी उनका अच्छा संबंध रहा है। आगे देखते हैं एमैनुअल मैक्रो। देखिए मैक्रोन के फिर जीतने के बाद फ्रांस के मुसलमानों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फ्रांस यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, और उनका क्या मतलब कि क्या उनका भविष्य होगा, क्योंकि एमैनुअल मैक्रोन के सरकार में ये लोगों की भावनाएं थी कि मुसलमानों पे काफ़ी अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको कई तरह से बदनाम किए जा रहे हैं। उसका एक मैटर था कि मोहम्मद पैगंबर जो मुसलमानों के काफ़ी कह सकते हैं कि उनके एक हृदय पवित्र देवता हैं या भगवान हैं, उनको उन्होंने लोगों ने क्या किया है, सॉरी क्षमा चाहेंगे थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को कई तरह तक सरकारी बिल्डिंगों पर लगाई गई और उनको काफ़ी काफ़ी तरीके से बदनाम किया गया, जिसकी वजह से वहाँ के मुस्लिम क्षेत्र के पर्सन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि मुसलमानों का भविष्य क्या होगा मैक्रोन के जीतने के बाद। तो दोस्तों देखते हैं आगे, इमैनुअल मैक्रोन के राष्ट्रपति कार्यकाल में साल 2020 में फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के आपत्तिजनक कार्टून को लेकर घटना हुई, उसके बाद फ्रांस में कथित इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया उसकी विश्व स्तर पर बहुत से लोगों ने प्रशंसा की, तो वहीं इस्लामिक देशों ने इस पर गुस्सा जाहिर किया। इस्लामिक देश अक्सर देखा जाता है कि उनके में एक एकजुटता होती है और ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 में एक क्लास में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के कारण शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना की निंदा करते हुए एमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में संकट का धर्म बन गया है और इसी कमिटमेंट के अलावा मुस्लिम देशों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि शिक्षक सैमुअल पैटी की इसलिए हत्या की गई क्योंकि इस्लामवादी लोगों को हमारे भविष्य पर कब्जा करना है, लेकिन फ्रांस अपने कार्टून नहीं छोड़ेगा। और इसी के प्रति फ्रांस में काफ़ी लंबे समय से विरोध चल रहा है और कई लोग इसका रोड पे भी क्या कर रहे हैं, सरकार के प्रति एक अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं लोग साथ। उन्होंने मुस्लिम चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा कर दी इमैनुअल मैक्रोन ने। इसके अलावा ये भी कहा था कि उनकी सरकार धर्म और राष्ट्र को अलग करने वाले सन 1905 के कानून को अधिक मजबूत करेगी। मैक्रोन ने देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों की रक्षा का वादा किया था। ये देखते हैं बिल्डिंग है, इस पे पैगंबर मोहम्मद के ढेर सारे कार्टून को भी सरकारी बिल्डिंग पर लगाया गया था। आगे देखते हैं, देखिए ये कार्टून है जो बनाया गया था स्कूल में जिसमें उसकी प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी। देखना ये होगा कि क्या अब फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अपराध में कमी होगी या सिलसिला पहले की तरह ताकत हासिल करेगा, क्योंकि धूर दक्षिण पथपंथी पार्टी ने अपने इतिहास में अब तक के सबसे अधिक वोट हासिल करने में कामयाबी पाई है। यूरोप में फ्रांस ही ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, तो यानी ये कह सकते हैं हम कि मुसलमानों के लिए थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि सरकार की जो नीति है कि वो धर्म के प्रति कोई भी कन्फेस नहीं करेगी। अब देखते हैं हमारा फ्रांस में एमैनुअल मैक्रोन की जीत से भारत के लिए क्या मायने हैं। तो देखते हैं भारत और फ्रांस के संबंध पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और फ्रेंडशिप यानी मैत्रीपूर्ण रहे हैं। 1998 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया जो घनिष्ठ बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय
मुद्दों पर उनके एक जैसे विचार और समझ का प्रतीक है। सबसे बड़ा कारण है टेररिज्म। टेररिज्म पे ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक साथ बातें करते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में हैं। और रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आंतरिक सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों की सामरिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। एक मजबूत आर्थिक साझेदारी के साथ साथ भारत और फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्रों में जैसे हिंद प्रशांत, हिंद प्रशांत का मैटर आपने भी सुना होगा, उसमें भी उनका काफ़ी युद्ध होते हैं जिसमें युद्धाभ्यास होते हैं जिसमें फ्रांस और भारत साथ में करते हैं। समुद्री सुरक्षा, चरमपंथ का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और नई एनर्जी टेक्नोलॉजी का भी आपस में ये लोग हेल्प करते हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करना जारी रखा है। यानी इस जगह पे भारत के हमेशा ये सपोर्ट में होता है ये देश। दोनों देशों ने लगातार आतंकवाद की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के मसौदे पर अमल करने के लिए मिलकर काम करने की संकल्प लिया है। भारत में रक्षा ITS परामर्श इंजीनियर सेवाओं और भारी उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हजारों से अधिक फ्रांसीसी व्यवसाय हैं। 2 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 9 अरब अमेरिकी डॉलर के संचय FDI स्टॉक के साथ भारत फ्रांस में सातवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो भारत में कुल FDI प्रवाह के 2% के बराबर है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने फ्रांस से 36 राफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। राफाल आपको पता है कि 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जेट फाइटर है। दोनों देशों के बीच हुए करार के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करके भारत में 6 P-75 स्कॉर्पिन पनडुब्बियां बनाने की भी परियोजना पर काम भी चल रहा है। यानी कि डिफेंस में हमारा रसिया और अमेरिका के बाद तीसरा अगर कोई देश है जिससे हमारा अच्छा है संबंध, वो है फ्रांस है। इसमें से 4 पनडुब्बियां भारत नौसेना को सौंपी जा चुकी हैं और बाकी 2 इस साल बनकर तैयार हो जाएंगी। प्रोफेसर हैम्पीमन जैकब दिल्ली स्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में कार्यरत हैं और भारत की विदेश नीति के जानकार भी हैं। BBC ने उनसे पूछा कि मैक्रो के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के भारत के लिए क्या मायने हैं। उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेरिस अन्य देशों की तुलना में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के प्रति अधिक संवेदनशील है। मैक्रो ने दोबारा चुने जाने से यह सुनिश्चित होगा कि भारत और फ्रांस की रणनीति साझेदारी और मजबूत होगी। कवल सिब्बल भारत के पूर्व विदेश सचिव और फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर हैम्पीन जैकब का कहना है, चूंकि फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध समाप्त कर दिए हैं, इसलिए इससे यह भी भारत और फ्रांस के संबंधों में उन मुद्दों पर मदद मिलती है जिनमें दोनों देशों के समान हित हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के भविष्य को कैसे देखा जाए। अभी अफगानिस्तान में ही पता है हमको कि वहाँ पे दूसरे कंट्री ने उस पर क्या कर दिया है, धावा बोल दिया, उस पर अपना कब्जा जताया हुआ है तालिबान ने। सिब्बल के मुताबिक जहाँ जर्मनी जैसे देशों के चीन से गहरे आर्थिक संबंध हैं, वहीं फ्रांस की स्थिति वैसी नहीं है और यही वजह है कि फ्रांस का रुख भारत की हिंद प्रशांत नीति के संदर्भ में काफ़ी खुला हुआ है। वो कहते हैं फ्रांस रक्षा क्षेत्र में भारत का तेजी से बड़ा भागीदार बनता जा रहा है। फ्रांस का टेक्नोलॉजी के हस्ताक्षरण के मामले में रुख यूरोपीय देशों अमेरिका के मुकाबले बहुत ओपन माइंडेड है। फ्रांस भारत के साथ काम करने की बहुत सी संभावनाएँ देख रहा है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अभी आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा प्लांट लगाने में हमारे फ्रांसीसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, जो कि UP के मिर्ज़ापुर में अभी लगाया गया था जब उनका दौरा यहाँ पे हुआ था, और का आरंभ किया गया। अक्षय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी भारत आज फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर मैक्रो हार जाते तो क्या होता, देखिए ये भी एक थॉट्स है।
जैकब कहते हैं अगर मरीन ली पेन चुनाव जीत जाती तो यूरोपियन संघ के भीतर नेटो और हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे रणनीतिक मामले पर काफ़ी अव्यवस्था पैदा हो सकती थी। वो कहते हैं इससे भारत फ्रांस संबंधों के भविष्य के बारे में नई दिल्ली में काफ़ी अनिश्चितता पैदा हो जाती और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी खतरे से निपटने की फ्रांस की इच्छा पर संदेह उभर जाता। और कपिल सिब्बल का मानना है कि अगर मैक्रों को चुनाव हार जाते तो ली पेन फ्रांस की राष्ट्रपति बनती तो इस्लामिक और अप्रवासन जैसे मुद्दों की वजह से फ्रांस के अंदर तनाव पैदा हो जाता और इस वजह से फ्रांस के अन्य देशों के साथ संबंध पर भी असर पड़ता। यानी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय वहाँ पर फ्रांस में मुसलमानों के लिए प्रति है, क्योंकि उन्होंने उसके सरकार के खिलाफ और अपने पैगंबर मोहम्मद मोहम्मद के कार्टून के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी उस पर स्ट्राइक किए हैं और काफ़ी तरह के उन्होंने उनकी काफ़ी अलग सोच है। और रही बात उनको अलग इस्लामिक कंट्री से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों मैं ललित सिंह, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये नई चीज़ें हैं जो आपको UPSC एग्ज़ाम में बाकी अन्य एग्ज़ाम में करंट अफेयर के तौर पे काम आएंगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।